हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित है। इस वीडियो में टीचिंग पोजीशन में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और नॉन टीचिंग में लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो अप्लीकेशन फॉर्म है ऑफलाइन फिल करना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से वेबसाइट पर जाना है और वहां से ऑफलाइन अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म है बाई स्पीच पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के द्वारा 9 अगस्त 2023 शाम को 5 PM तक आपका अप्लीकेशन फॉर्म पहुँचना चाहिए। अब हम बात करें विभिन्न पद के बारे में। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के 1 पद हैं, एसोसिएट के 2 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद हैं। इसी में एक एक पद हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर में। और डबल ई में प्रोफेसर के लिए 1 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के 3 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद हैं। और मैथमेटिक्स में यानी मैथ में जो हैं 1 पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब नॉन टीचिंग में बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 1 पद हैं, जो सैलरी हैं 44,900 रुपये हैं L7 के अनुसार। मेडिकल ऑफिसर के लिए L10 के अनुसार 56,100 रुपये सैलरी हैं। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए 44,900 सैलरी हैं और वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए 67,700 रुपये सैलरी हैं। प्रोग्राम ग्रेड 1 के लिए 56,100 रुपये सैलरी हैं। और इन सभी पद में यानी इन सभी में एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से डिटेल जानकारी आपको प्राप्त करना है। यदि आप फैकल्टी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके नॉन टीचिंग का एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा हम बात करें तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है और सभी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो भी है सभी डॉक्यूमेंट आपको एक साथ अटैच करके और भेजना है। इस पद के लिए जो हैं हम डिटेल जानकारी की बात करें तो आपको वेबसाइट पर यदि अपडेट जानकारी के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना है। अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन शुल्क के बारे में। तो 500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं एसी कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी में 1,000 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं जो डीडी बनाकर पे करना है। और डीडी के लिए यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया गया है, यहाँ पे IFSC कोड दिया गया है और किसके फेवर में बनाना है इसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें इस पद के लिए तो प्रोफेसर पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है संबंधित संस्था के द्वारा जो क्वालिफिकेशन है वही है। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी जो क्वालिफिकेशन है यानी UGC या जो नेट एसेट या PhD होना चाहिए, इस वो कार्ड का विशेष ध्यान रखना है। इंजीनियरिंग के फील्ड में भी जो आवेदन आमंत्रित किया गया है उसमें PhD या गेट इसमें दी गई है। तो इस तरह से विभिन्न पद के लिए डिटेल जानकारी दी गई है। हम बात करते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो बैचलर डिग्री, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वर्किंग से रिलेटेड या सुपरवाइजरी ग्रेड से रिलेटेड होनी चाहिए। UP गवर्नमेंट यानी जो एक्सपीरियंस है नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग कॉलेज या इक्विवेलेंट रूल्स हैं। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में। कम से कम जो सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल का 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके अलावा हैविंग वर्क ऑन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है और DIVR में PhD दी गई है। इसके अलावा प्रोग्राम ग्रेड फर्स्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है तो इसमें भी जो है क्वालिफिकेशन में जो है भी BTEC जो क्वालिफिकेशन है यही है या MSc आपके पास हैं फर्स्ट डिवीजन तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए हैं। इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होनी चाहिए यानी गुड वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। प्रोग्रामर ग्रेड 2nd लेवल पे मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसके अलावा CCTV मैनेजमेंट हैं, ऑफिशियल ऑटोमेशन पैकेज हैं, हार्डवेयर नॉलेज एंड मैनेजमेंट ऑफ CISCO स्टैंडर्ड हैं। इस तरह से मेडिकल ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन मंगा है BAMS या MBBS हैं। वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए 1st क्लास मास्टर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होनी चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास बैचलर डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे आया है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है और यह जो वैकेंसी है कुछ पद हैं जो सरकारी नौकरी के लिए हैं और कुछ पद हैं जो ऐसे आवेदन आमंत्रित हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो देखने के उपरांत वीडियो को लाइक जरूर करें
और अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन और दूसरी बात हम